नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है बीकानेर से पुरी तक चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस की। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है जामिल अहमद ने। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ट्रेन नंबर 14709 बीकानेर से पुरी तक चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस, यह ट्रेन दोस्तों बीकानेर से पुरी तक की टोटल जर्नी 2093 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है लगभग 40 घंटे और 40 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की और इसकी एवरेज स्पीड रहती है करीबन 52 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलने वाली एक साप्ताहिक ट्रेन है जो हर रविवार को राजस्थान के बीकानेर जंक्शन से रवाना होती है और जयपुर, कोटा, बिलासपुर, भुवनेश्वर जैसे स्टेशनों पर ठहरती हुई पूरी टर्मिनस में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के बीकानेर से पुरी के बीच में करीबन 30 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और यह एक मेल टाइप की ट्रेन है जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल 2013 से शुरू हुई थी। इस ट्रेन में नए LHB श्रेणी के AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोच लगते हैं। और अगर बात करें इस ट्रेन के सभी क्लास के किराए की, तो इस ट्रेन के AC2 टायर का बीकानेर से पुरी तक का किराया रहता है 2980 रुपए, AC3 टायर का किराया रहता है 2050 रुपए। इन दोनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST, रिजर्वेशन और बेस फेयर चार्जेस शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 775 रुपए। इसमें GST नहीं लगता परंतु बाकी सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। और सामान्य जनरल क्लास के कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 420 रुपए। यह किराया दोस्तों बीकानेर से पुरी तक का बताया गया है, परंतु समय के साथ इस किराए में परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले एक बार इस किराए को आप चेक अवश्य कर लें। इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन को बीकानेर से सवाई माधवपुर जंक्शन तक भगत की कोठी लोको शेड का WDP4 लोकोमोटिव लेकर जाता है और सवाई माधवपुर जंक्शन से पूरी तक इसे विशाखापट्टनम लोको शेड का WEB7 लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के और कौन कौन से स्टेशन रहते हैं और उन स्टेशनों का टाइम टेबल क्या रहता है यह विस्तार से देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों हर रविवार शाम 5:05 पर बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। और दोस्तों बीकानेर जंक्शन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है नोखा। शाम के 5:51 पर यह ट्रेन यहां पहुंचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद शाम के 5:53 पर यह ट्रेन नोखा से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है नागौर शाम के 6:48 पर और 6:53 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डेगाना जंक्शन रात के 8:25 पर और 8:28 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मकराना जंक्शन रात के 9 बजे और 9:03 पर यह ट्रेन मकराना जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है फुलेरा जंक्शन रात के 10:17 पर और 10:19 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है जयपुर जंक्शन रात के 11:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 6 मिनट ठहरने के बाद रात के 11:26 पर यह ट्रेन जयपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। जयपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 378 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जयपुर के ही दुर्गापुरा में रात के 11:37 पर और 11:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बनस्थली निवाई रात के 12:19 पर और 12:21 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है सवाई माधोपुर जंक्शन रात के 1:55 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है
और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद रात के 2:05 पर यह ट्रेन सवाई माधोपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। सवाई माधोपुर जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन का लोको रिवर्सल डायरेक्शन में लगता है और यहाँ पर इसका इंजन भी चेंज होता है। इसमें डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है कोटा जंक्शन रात के 3:30 पर और 3:50 पर यह ट्रेन कोटा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 20 मिनट का स्टॉपेज है। कोटा जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 618 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर भी दोस्तों इस ट्रेन का लोको रिवर्सल डायरेक्शन में लगता है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है 12:00 पर और 4:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मध्य प्रदेश के गुना जंक्शन में 7:23 पर और 7:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 7 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है अशोकनगर 8:05 पर और 8:07 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मुंगावली 8:42 पर और 8:44 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सागर या फिर साउगोर 11:30 पर और 11:35 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है दमोह 12:52 पर और 12:54 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है कटनी मुरवारा 3:30 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद 3:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है शहडोल 6:05 पर और 6:07 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है अनूपपुर जंक्शन 6:45 पर और 6:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन में 9:35 पर और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद 9:50 पर यह ट्रेन बिलासपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। बिलासपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1500 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायगढ़ 11:54 पर और 11:56 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है ओडिशा के झारसुगुड़ा रोड में 1:15 पर और 1:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है संबलपुर जंक्शन 2:25 पर और करीबन 20 मिनट ठहरने के बाद 2:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। संबलपुर जंक्शन में भी दोस्तों इस ट्रेन का लोको रिवर्सल डायरेक्शन में लगता है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है रेडा खोल 3:04 पर और 4:04 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। अब इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है बैंडा या बोइंडा 4:45 पर और 4:47 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। अब इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है अनुगुल 5:35 पर और 5:37 पर यह ट्रेन अनुगुल से भी रवाना हो जाती है। अब इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है तालचेर रोड 5:48 पर और 5:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है ढेंकानाल 6:36 पर और 6:38 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है भुवनेश्वर 8:00 और 8:05 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। भुवनेश्वर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2026 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खोरदा रोड जंक्शन 8:35 पर और 8:40 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है उड़ीसा का पुरी टर्मिनस 9:35 पर यह ट्रेन यहां पहुंचती है और यहां तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2093 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। दोस्तों ये थी बीकानेर से पुरी तक चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन की जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।